हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं के चैप्टर नंबर 2 के बारे में समझाऊंगी। इसमें दिया है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले में रैखिक समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी है। जैसे मान लो ये दिया है x -2 बराबर 7। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो गणित के अंग्रेजी के अंक हैं इनको हम बोलते हैं चर, गणित के अंक को बोलते हैं अचर। और ठीक है, और ये बराबर है इसको बोलेंगे हम समता। ये तीनों मिलकर समीकरण का निर्माण करते हैं। टू बराबर 7। तो समीकरण तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक चर, एक अचर, और ये जो बराबर का चिन्ह है इसको बोलते हैं हम समता। ठीक है, इन सब से मिलके क्या बन जाता है, हमारा समीकरण बन जाता है। जो अंग्रेजी के वर्ड हैं उसको हम चर बोलेंगे, जो गणित के अंक हैं उसको हम अचर बोलेंगे, और यहाँ पर हम बराबर को समता बोलेंगे। एक्स की जगह यहाँ पर जैसे चर है तो एक्स की जगह हम इधर एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, ए बी सी टी कुछ भी आ सकता है। मतलब इसमें अंग्रेजी के शब्द आएंगे। ठीक है, और अचर, अचर में हमारा गणित के अंक आ जाएंगे, जैसे 2, 3, 7, 10, 20, ये पूरे सब क्या हो जाएंगे, अचर में आ जाएंगे। तो अब बच्चों हम 2.1 पर आते हैं। देखिए, ये 2.1 दिया है, इसमें समीकरण निम्न के समीकरण को हल करना है। अब हल कैसे करना है वो मैं इसमें बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल दिया है x -2 बराबर 7, ये दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। देखिए हम हल कैसे करेंगे, जो चर हैं, जब हल करते टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो चर हैं उनको एक तरफ रखना है और अचर को हमें एक तरफ रखना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। जैसे कि पहला सवाल है x -2 बराबर 7। ठीक है, अब देखो चर को, ये अचर है ना, तो अचर को हम इधर ले आएंगे। मैंने बोला अचर अचर एक तरफ और चर चर एक तरफ, तो x इधर रह जाएगा। अब जब भी बराबर के दूसरी तरफ जब कोई संख्या जाती है तो उसका जो चिन्ह रहता है वो चेंज हो जाता है, ये जो आगे का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि इधर दिया है 2, तो माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एक्स अकेला रहा तो इधर बराबर रह जाएगा 7, 2 किसका है, माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये देखो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 2 बराबर 7 और 2 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे दूसरा सवाल दिया है, y + 3 बराबर 10। अब मैंने बोला गणित के अंक एक तरफ ले आते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3, इधर के का है प्लस का है, इधर आके माइनस का, 10, 3 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा 10 में से 3 गए तो कितने बचे, 7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, छः बराबर
जेड प्लस दो। अब देखो जेड चर है और ये अचर है, अचर को इधर लाना है तो छः का छः रहेगा, दो इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर जेड। तो घटा देते हैं हम, छः में से दो गए तो कितने बचे, चार। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसे चौथा प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर है अपना, 3/7 प्लस एक्स बराबर 17/7। ठीक है, तो देखो 3/7 को हम इस तरफ ले जाएं तो एक्स बराबर, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसके आगे हम प्लस का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, तो ये 17/7, ये प्लस का चिन्ह मान लिया इसके आगे, तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/7। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 17, 7 और 7 एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 में 7 का भाग देंगे कितनी बार आएगा, एक बार, एक गुणित ऊपर वाली संख्या का हम गुणा कर देते हैं, माइनस 7 में 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, ऊपर वाली संख्या का हम गुणा कर देंगे 3। तो एक्स बराबर 17 में 1 का गुणा किया तो 17 - 3/7। तो एक्स बराबर हो जाएगा, 17 में से 3 गए तो कितने बचे, 14/7, 7 × 14, तो एक्स बराबर किया जाएगा हमारा 7। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 6x = 12। तो 6x में गुणा कर रहा है, ठीक है, इसमें इसका गुणा हो रहा है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा करते, तो इधर आके भाग करेगा, x बराबर 6/12, इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, जो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, तो 6 × 12 x = 2। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।